मजाक तो नहीं करते हो आप? मजाक तो नहीं करते हो? कभी कभी करते हो, चलिए कोई बात नहीं। इस रस्सी को आप चेक भी कर लो, नहीं चेक कर लो, कोई रबड़ की प्लास्टिक की तलती तो नहीं, भरती तो नहीं, ये भी चेक कर लो, है ना। लाइए वैसे ये रस्सी किस काम में आती है मालूम है? बांधने के काम आती है वो। अरे यार लटकाने के काम आती है, ऐसा लगता है आपकी शादी नहीं हुई है क्या? हाँ, सही बात तो नहीं बता रहे, उल्टी उल्टी बात बता रहे। चलो कोई बात नहीं, है ना। इस रस्सी को आप सर बरोबर काटना, ठीक है, यहाँ से काट दो आप, ठीक है। आपने रस्सी बरोबर काटी है ना? अरे आपने बिल्कुल सही बोला, छोटी बड़ी नहीं काटी है, ये छोटी बड़ी नहीं काटी है, बराबर की बात है वो। ये का सूत तो छोटी बड़ी हो जाती है, लेन देन वाली बात है। देखो भूल चूक हर इंसान से होती है, हमसे भी होती है, आपसे भी हो जाएगी, मगर जो एक आंगुल छोटी बड़ी काटी है ना, बस उसी को बराबर काट दो, बस काटो। देखो अभी मैंने चेक की थी, एक आंगुल छोटी बड़ी है, बस ज़्यादा नहीं आपने काटी है, बस छोटी सी काट दो आप। बिल्कुल आपने राइट सही काटी है, बिल्कुल गड़बड़ नहीं काटी है फिर भी। वैसे आपको कैंची चलाने का बहुत एक्सपीरियंस है, आपने बिल्कुल मिस्टेक नहीं किया। चलो चेक करा देता हूँ, ये लीजिए। अच्छा आपने पहले एक आंगुर छोटी बड़ी काटी, आप तीन आंगुर बट छोटी बड़ी काट दी आपने, इतनी मिस्टेक क्यों कर रहे हो आप? नहीं नहीं सही काटो, हाँ दोबारा काट दो, भूल चूक लेनी देनी, अभी दोबारा और चल जाएगी। अब सही से काटना, ठीक है ना। चलिए हाँ आपके बात तो सही काटी है, ताली बजाओ उनके लिए। अरे ये आप सर मजाक कर रहे हो आप? नहीं मजाक नहीं, इतनी मजाक नहीं चलती सर। अरे आप वो काटने में लगे रहोगे तो हमारी रस्सी ना वो पता नहीं चलेगी कहाँ चली जाएगी। हाँ आपके बात तो सही काटी थी, छोड़ दो चेक कर लेता हूँ, सही काटी होगी तो पता चल जाएगा। नहीं देखो आपने फिर भी चार आंगुल छोटी बड़ी काटी है सर, आप मजाक ज़्यादा करते हो ऐसा लगता है। नहीं 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 अरे नहीं नहीं इतने नहीं कटवानी है, और कहीं तो काम चलाई जाएगी, है ना। सही बताओ मजाक क्यों कर रहे हो आप? नहीं जादू नहीं है आपको, एक रियल बात पता है? नहीं 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 आप एक बात पूछ रहे थे ना, आप पहली बार ही पूछ रहे हो। देखो कभी इंसान से गलती हुआ करे, पहली बार हो जाए तो कह देता कोई बात नहीं, दूसरी बार हो जाए नहीं पूछ लेनी चाहिए, पापा गलती हो गई मेरे से, इसका रीजन बताओ क्यों गलती हो रही है। तो आप मेरे से पूछते भैया ये बड़की बड़की हो रही है, तो मैं आपको बता देता ये बड़ी सी ले रही है, बता दो आपको, बता दो सबको, बता दो सबको, बता दो। चलिए बता देता हूँ, देखिए हमेशा एक बात मैं आपको सिखा देता हूँ, बच्चे पढ़े लिखे होते हैं ना, इसमें दो बच्चे हैं, एक बच्चा पढ़ा लिखा है एक बच्चा अनपढ़ है, और पढ़े लिखे बच्चे हमेशा आगे रहते हैं, तो आप जानते हो कि हर बार अनपढ़ को काट देते हैं, कोशिश कर रहे हैं पढ़े लिखे को भी काट दें, मगर वो पढ़ा लिखा हमेशा आगे रहेगा, आप कितनी भी कोशिश कर लो। हाँ यही इसमें रीजन है, हाँ हाँ। तो पढ़े लिखे अनपढ़ को एक साथ बैठा दे क्लास में, जिसे कि कभी वो भी आगे बढ़ जाए आगे की सीढ़ी पे। हाँ 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 चलिए तो इसको ये लीजिए, ठीक है आप पकड़ के देखो, खींच के देखो, अरे आराम से खींचो। इस रस्सी को मैं ऐसे पकड़ लेता हूँ, तो वहाँ से आप छोड़ दो, वहाँ से छोड़ दो, आराम से पकड़ लो, यहाँ से कैंची को मेरे को दे दो, कैंची ये रखी है। अब जैसे ही आप बोलेंगे ना एक दो और तीन, रस्सी आप खींच ली है ना। अरे अरे अभी नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी का देखो काम शैतान का होगा, आराम से काम करो, है ना। अभी आप जल्दबाजी में फटाफट फटाफट काट रहे हैं, वो गलती से कट रही थी, आप पूछ लेते तो क्यों रस्सी कटती थी। तो देखिए एक दो ढाई पौने तीन और तीन, खींचो, अरे आराम से खींच लो, ये लीजिए पढ़े लिखे अनपढ़ दोनों होंगे होशियार। और देखो जो नोट थी ना वो तो मेरे हाथ में लगी हुई है, आप फूक मारोगे जब भी तो पता चलेगा, मगर आपने ज़्यादा तेजी से मार दिया, उड़ गई है।
चलिए नेक्स्ट मैच दिखाते हैं आपको।